नमस्कार दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का डिस्कशन या वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। कर लिया है बहुत बहुत धन्यवाद, और आप करेंगे उसके लिए भी धन्यवाद। आज जो टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग फिल्ट्रेशन। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फिल्ट्रेशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच इफेक्ट फिल्ट्रेशन। इसमें से क्वेश्चन भी आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से, कैसे अभी देख लेते हैं अपन, आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा। व्हेन वी विल डिस्कस, भैया फिल्ट्रेशन एक अंग्रेजी का शब्द है, उसका मतलब होता है छानना। छानने का मतलब अगर मैं आपसे कहूं छानना, तो छानने का मतलब ये होता है कि छलनी ले ली और छलनी में आपने कोई चीज छान ली। और छानने का मतलब क्या है कि आपके पास कोई एक मिक्सचर था, उसके अंदर लिक्विड था और लिक्विड के अंदर सॉलिड डिजोल्व थे। आपने क्या किया, छलनी ली जिसको सीव बोला जाता है, और उसके बाद जो आपका मिक्सचर है आपने उसको उस पर डाल दिया, नीचे सिर्फ लिक्विड आएगा और जो सॉलिड वो ऊपर रह जाएगा। तो आपने क्या किया फिल्ट्रेशन में, छानने में क्या किया, जो सॉलिड था वो आपने अलग कर दिया किससे, लिक्विड से। जनरली आपने यही किया होगा, गैस के साथ नहीं किया होगा। तो मोटी मोटी डेफिनेशन अगर समझे तो फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड इज रिमूव्ड फ्रॉम लिक्विड विद द हेल्प ऑफ अ मीडियम दैट इज कॉल्ड फिल्टर मीडियम। तो जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया है, सॉलिड तो बच गया और ये जो मीडियम जिसको मैं छलनी बोल रहा हूँ ये मीडियम ही कहलाती है। तो देखते हैं, इसको समझते हैं। तो एज पर द डेफिनेशन ये मिक्सचर है, ये जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है ये बताने का प्रयास किया गया है कि दीज आर सॉलिड्स, जो किसमें जो सस्पेंडेड है ये लिक्विड, जो ब्लू कलर दिख रहा है मतलब लिक्विड के अंदर ये सॉलिड है। अब आपको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो आपने नीचे दूसरा कंटेनर लिया, उसको टेढ़ा किया और ये देखो छलनी है, मतलब ये फिल्टर मीडियम है। जब आपने उसको डाला तो नीचे सिर्फ क्या बचा है, लिक्विड बचा है ब्लू कलर का, और जो सारा सॉलिड था वो जमा हो गया। ठीक है, जमा करने के बाद जो लिक्विड बचता है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, और ये जो बच जाता है उसको बोलते हैं केक। तो कहने का मतलब सॉलिड प्लस लिक्विड या गैस जो एक मिक्सचर है, ये लिक्विड या गैस भी हो सकता है, आपने मीडियम के थ्रू पास किया और मीडियम के थ्रू पास करने के बाद सॉलिड अलग आ गया और लिक्विड अलग आ गया, जिसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। तो अपन इसके बेस पर एक डेफिनेशन बोल सकते हैं कि फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड और गैस बाय यूजिंग अ मीडियम, एंड आफ्टर दैट सॉलिड इज ऑब्टेन्ड, इट इज टर्म्ड एज फिल्टर केक या केक, एंड द क्लियर लिक्विड ऑब्टेन्ड, भैया क्लियर ही तो रहेगा, उसमें तो कुछ रहेगा ही नहीं क्योंकि अपन ने छाना ही इसलिए, अपना पर्पस ही है उसको क्लियर लेना है, एंड द क्लियर लिक्विड ऑब्टेन्ड इट इज टर्म्ड एज फिल्ट्रेट। तो कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फिल्ट्रेशन इज फिल्ट्रेट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस की जरूरत क्या आ गई। तो ऐसा है कि फार्मेसी के अंदर जब ड्रग को बनाना होता है तो उसको अलग अलग स्टेजेस से गुजरना होता है। उसमें आप देखेंगे जैसे क्रिस्टलाइजेशन है, फिल्ट्रेशन है, साइज रिडक्शन है, साइज सेपरेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, डिस्टिलेशन है, ड्राइंग है, इवेपोरेशन है। तो ये सारे यूनिट ऑपरेशन कहलाते हैं। यूनिट ऑपरेशन का मतलब उस ड्रग को फाइनल रूप में आने से पहले एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, एक ऑपरेशन से गुजरना पड़ेगा, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, वही कहलाता है यूनिट ऑपरेशन। तो मैं कह सकता हूं कि फिल्ट्रेशन इज अ यूनिट ऑपरेशन, और उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन का अगला पार्ट यह है कि मैंने लिखा है कि इट इज रिमूवल ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड और गैस इस मैनर के अंदर। क्वेश्चन का अगला पार्ट है कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिल्ट्रेशन। तो छोटा सा एग्जांपल अगर आपके दिमाग में है, ऑब्वियस सबके दिमाग में है भाई, मेरा काम तो आपको हल्का सा याद दिला रहा है, बशर्ते आपको पूरा वीडियो देखना है, वीडियो देखते देखते आपको सारी चीज याद हो जाएगी, रटने की जरूरत तो है ही नहीं। तो फैक्टर समझने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल है, घर के अंदर चाय छानने की बात कर रहा हूं मैं। चाय बनने के बाद छन्नी यूज होती है, तो छन्नी कहलाती है फिल्टर मीडियम। अब हुआ यूं कि जब चाय छनती है तो आप देखो कौन कौन से फैक्टर हैं, चाय तेज छलती है या जल्दी छनती है। अगर जो छलनी बड़ी साइज की होगी तो फिल्ट्रेशन फास्ट होगा, यू आर करेक्ट, मतलब सरफेस एरिया फिल्टर मीडियम का ज्यादा होगा ना तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा, फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा। तो पहला फैक्टर याद करने की जरूरत ही नहीं। दूसरी चीज, जब छानते रहते हैं तो उस समय क्या होता है, जो चाय है ना वो जमा होती जाती है, जमा होती गई
अब समय के साथ क्या है, जो नीचे निकल रही है ना छनी हुई, वो कम हो जाती है। तो मींस ये जो थिकनेस ऑफ केक है ना, इस पर निर्भर करता है। तो जितना ज्यादा केक थिकनेस होगी ना, उतना रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होगा, फिल्ट्रेशन कम होगा। इसलिए आप क्या करते हो, जैसे चाय कम छनना स्टार्ट हुई, आपने छलनी को लिया और वापस आप कंटेनर में डाल देते हो, वापस तैयार हो गए, अब केक नहीं, अब आप छानो, उसी स्पीड से छलनी लग जाएगी जो शुरुआत में थी। तो थिकनेस ऑफ केक पे डिपेंड करता है। यस, अब देखो तीसरा फैक्टर, आप कंपेयर करो, आपने ध्यान भी दिया होगा कि चाय मोटे दानों में भी अवेलेबल होती है और बारीक दाने भी आते हैं चाय के। आप दोनों को जब छान के देखोगे ना, तो आपको पता लगेगा जो बारीक दाने हैं ना, वो आपस में जुड़ जाते हैं आराम से, और जब आप चाय छानोगे तो फिल्ट्रेशन में समस्या आएगी। लेकिन वही अगर मोटे दानों वाली चाय होगी ना, तो क्या होगा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा। तो पार्टिकल साइज ऑफ केक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो तीन फैक्टर हो गए। चौथा फैक्टर कौन सा है भाई, मैं तो आपको याद दिला रहा हूँ, आपको सब पता है। ओनली थिंग इज यू हैव टू व्यू द कंप्लीट वीडियो। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर, थैंक्स। अब चौथा फैक्टर है चाशनी। आप समझते हैं चाशनी क्या होता है, कि पानी के अंदर चीनी घुली हुई, उसको बोलते हैं चाशनी। अब वो कंसेंट्रेशन की अलग बात है, जब अपन दूसरी चीज पढ़ेंगे, सिर्फ जब दोबारा आएगी जब बताएंगे आपको। नाउ द थिंग इज, उस चाशनी को बिल्कुल गर्म कर लीजिए आप, गर्म करने और गर्म करने के बाद उसको ठंडा कर लीजिए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब दोनों को गर्म और ठंडे में आप कंपेयर करोगे ना, तो जो ठंडी चाशनी होगी ना, वो गाढ़ी हो जाती है। और उस गाढ़ी क्यों हो जाती है, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है, और विस्कोसिटी को बोलते हैं श्यानता। तो जब वो ठंडी हो गई तो गाढ़ी होगी, तो गाढ़ी चीज छनने में तो जोर आएगा ही ना। लेकिन अगर वो कम गाढ़ी होगी, मतलब विस्कोसिटी कम होगी, तो जल्दी छन जाएगी। तो यस, यही चौथा फैक्टर है विस्कोसिटी। इफ द विस्कोसिटी इज मोर, लेस फिल्ट्रेशन, लेस इज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। अगर विस्कोसिटी कम होगी तो क्या होगा, जब फ्लूड आपका आराम से बहेगा, तो फिल्ट्रेशन भी ज्यादा होगा। फिर होता है अगला फैक्टर भैया, ज्यादा या कम कोल्ड हॉट, ये किस पे निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। तो यस, जिस किसी को भी आप फिल्टर करना चाहते हो, उसका टेम्परेचर हाई होगा तो जल्दी फिल्ट्रेशन होगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो फिल्ट्रेशन भी कम हो जाएगा। आपको एग्जांपल दिया तो है भी चाशनी का, ठीक है। अब अगला फैक्टर, ये सारे फैक्टर आपको याद है, आप थोड़ा सोचना है, बस हल्का सा एग्जाम्पल आप दिमाग में रखिए, सारे फैक्टर्स आपको याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। थिंग इज यू हैव टू डू द कंप्लीट वीडियो। फिर इसके अलावा अगला और कौन सा फैक्टर होता है, आपने ध्यान दिया होगा कि नीचे चाय छानते समय, भाई आप बार बार चाय के एग्जाम्पल ले रहे हैं क्योंकि इससे समझ में आ जाएगा ना फिल्ट्रेशन। भाई बेसिक सिद्धांत तो आप कहीं पर भी रहो, फिल्टर मीडियम कोई सा भी हो, बेसिक सिद्धांत तो चेंज नहीं होगा। तो अगेन आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ टी, घर से ही अपन स्टार्ट करेंगे क्योंकि सबको पता है, आराम से समझ में आएगी। कई बार क्या होता है, जब चाय छानते हैं और अगर वो छलनी बिल्कुल अगर अड़ी रही, जैसे इस केस में बिल्कुल अड़ी रही, तो क्या होगा, जो छलने का जो रेट है ना, वो रुक जाएगा। तो आप क्या करते हो, छलनी को थोड़ा सा ऊपर उठाते हो, फिर जैसे ऊपर उठाया आपने, फिल्ट्रेशन चालू हो जाता है। तो ऐसा क्या हुआ था भैया, होता क्या है कि छलने के लिए एक ऊपरी ऊपर का दाब, एक अंदर का दाब, उन दोनों में डिफरेंस चाहिए। इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं कि देयर शुड बी अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द बोथ अबाउ फेस एंड लोअर फेस। फेस का मतलब ये फिल्टर मीडियम है, इसके ऊपर और इसके नीचे, इनमें प्रेशर डिफरेंस होना जरूरी है, ऊपर का दाब और नीचे का दाब। इसमें जितना ज्यादा अंतर होगा ना, उतना रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा। फिर इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं, अपन देखेंगे वन बाय वन, आपको यही याद हो जाएगा। तो ऐसा है कि जो फैक्टर्स हैं, या अगर अपन बात करें थियरी ऑफ फिल्ट्रेशन, इसको समझने के लिए एक लॉ है, उस लॉ को बोलते हैं डार्सीज लॉ। भैया डार्सी का मतलब क्या होता है, तो डार्सी एक साइंटिस्ट का नाम है। तो अपन कह सकते हैं कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन और द थियरी ऑफ फिल्ट्रेशन, इट कैन बी वेरी वेल अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ लॉ दैट इज कॉल्ड डार्सीज लॉ। और डार्सीज लॉ क्या कहता है, वी इज इक्वल टू के ए डेल्टा पी डिवाइड बाय दिस इनटू एल। अब ये क्या चीज है, के है परमीएबिलिटी कोफिशियंट, ये तो कोफिशियंट है। अब ये इक्वेशन कैसे डिराइव हुई, वो अपनी इतनी जरूरत नहीं है, आपको इतना याद रखना है कि ये परमीएबिलिटी कोफिशियंट है। वी है वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट, कितना फिल्टर हुआ है। ए क्या है, एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन,
वही चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा एरिया कम एरिया, यह है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन अबव एंड बिलो, ऊपर और नीचे जो प्रेशर डिफरेंस है उसकी बात हो रही है। ये चीज क्या है, विस्कोसिटी, और ये क्या है, एल, थिकनेस ऑफ द केक, केक कितना मोटा है कितना पतला है। तो कई फैक्टर आपको याद हो गए ना, 1, 2, 3, 4 और टेम्परेचर, 5 तो याद हो गए। अब इन्हीं से निकले हैं 3 और फैक्टर, वो कौन से हैं, वन बाय वन देखते हैं अपन। तो ये तो 5 याद हो गए आपको, एक बार वापस रिवाइज कर लेंगे देखें। तो पहला फैक्टर है एरिया और सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर मीडिया। फिल्टर मीडिया का मतलब ये, जिससे अपन छान रहे हैं ना उसको बोलते हैं फिल्टर मीडिया या फिल्टर मीडियम। जितना ज्यादा एरिया होगा छानने का उतना रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा, उतना फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा, यस। तो एरिया और सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर मीडिया, इंक्रीज सरफेस एरिया, जो एरो है ना इंक्रीज है ऊपर का मतलब इंक्रीज, इंक्रीज सरफेस एरिया इज इक्वल टू इंक्रीज फिल्ट्रेशन, ज्यादा होगा तो ज्यादा फिल्ट्रेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल फिल्टर प्रेस, फिल्टर प्रेस एक तरह का डिवाइस है, एक तरह की मशीन है जो इसी सिद्धांत पर आधारित है कि इसके अंदर सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आपका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अब सर कैसे, तो जब अपन डिफरेंट वीडियो में करेंगे फिल्टर प्रेस के बारे में, देन यू विल गेट द आंसर। दूसरा आता है फैक्टर प्रेशर, इंक्रीज प्रेशर अबव और बिलो। कहने का मतलब अगर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन आपको बढ़ानी है तो या तो ऊपर का प्रेशर बढ़ा दो या नीचे से प्रेशर कम कर दो, उससे क्या होगा, जो डिफरेंस है ऊपर से लग रहा है और जो नीचे वाला है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कम हो गया, उतना रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, साफ पता लग रहा है वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, तो ठीक है। इसीलिए क्या होता है कई बार जब वेन एवर वी वॉन्ट टू फिल्टर एनी मिक्सचर या एनी सैंपल, नीचे क्या किया जाता है, ये मिट गया मेरे से, ये नीचे क्या किया जाता है, वैक्यूम लगा दिया जाता है। वैक्यूम का काम क्या होता है कि वहां से एयर को हटा लेना, प्रेशर को हटा लेना, तो क्या होगा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होगा, यहां पर कोई भी चीज होगी ना वो तेजी से फिल्टर होगी, क्यों, क्योंकि यहां पर तो प्रेशर कितना हो गया, 0, और यहां पर ज्यादा, तो इसलिए रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगी क्योंकि वैक्यूम से यहाँ का प्रेशर 0 कर दिया जाता है। ठीक है, तो समझ में आ जाओगे आपके कि प्रेशर डिफरेंस कैसे मेंटेन किया जाता है। अगला आता है फैक्टर विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मैं आपको बता चुका हूं कि गाढ़ापन या कम गाढ़ापन लिक्विड का, तो इट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर ऑल्सो। भैया ये टेम्परेचर से रिलेटेड है, अगर हॉट होगा आपका लिक्विड तो फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा या तेज होगा देन कोल्ड, कोल्ड सैंपल से। तो विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, ज्यादा गाढ़ा है तो सीधी सी बात है कम बहेगा, कम बहेगा तो फिल्टर भी कम होगा। नेक्स्ट फैक्टर टेम्परेचर, तो जब ये पता होगा तो अपने आप याद हो गया। एग्जाम्पल ऑफ सिरप, सिरप का मतलब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था चाशनी का, आप आराम से एग्जाम्पल दे सकते हो। अगर सिरप लिया आपने हाई टेम्परेचर पे किया तो ज्यादा फिल्ट्रेशन होगा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा। अब बार बार मैं रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बोल रहा हूँ, तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का मतलब यह है कि कितनी देर में कितनी चीज छनी, कितनी देर में फिल्ट्रेट प्राप्त हुआ, यही कहलाता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो ये समझ में आ गया आपको टेम्परेचर का इफेक्ट, तापमान का प्रभाव। नेक्स्ट आता है पार्टिकल साइज, लार्ज पार्टिकल साइज आर फिल्टर्ड इजीली। अगर बड़े पार्टिकल होंगे ना ये वाले तो जल्दी छन जाएगा, देयरफॉर इसलिए क्या होता है कि कई बार समस्या आ जाती है लार्ज पार्टिकल साइज की वजह से, नहीं, कई बार क्या होता है कि अपने सैंपल में बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, और मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि चाय 2 फॉर्म में होती है, बड़े दानों के फॉर्म में, छोटे दानों के फॉर्म में। अगर बड़े दानों के फॉर्म में है तो फिल्ट्रेशन में समस्या नहीं आएगी, लेकिन अगर बहुत छोटे छोटे दाने हैं ना तो बिल्कुल चिपक जाएंगे और जो लिक्विड है उसको नीचे जाने का जगह ही नहीं मिलेगी। तो क्या किया जाए, तो फिल्ट्रेशन में क्या किया जाता है, ऐसी कोई चीज डाल दी जाती है जिससे जो छोटे छोटे पार्टिकल है ना उसका एग्लोमरेशन हो जाए, तो देयरफॉर इंक्रीज पार्टिकल साइज बाय एग्लोमरेशन। मैं वही कह रहा हूं कि इफ द पार्टिकल साइज इज लो या लेस या स्मॉल, आपको क्या करना है, ये छोटे छोटे पार्टिकल है ना इनको क्या करना है, बड़े बना देने हैं। तो बड़े से क्या हो गया, वही तो अपन कह रहे हैं, अगर बड़ा है तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा। अब वो कैसे करते हैं, इट इज डिफरेंट इश्यू। नाउ पोर साइज ऑफ फिल्टर मीडियम, मतलब ये जो अपन यूज कर रहे हैं ना इसकी छेद,
जितने बड़े छेद होंगे उतने अधिक फिल्ट्रेशन होगा, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है यार। घर के अंदर दो छलनियां हैं, बाजार से लेकर आ जाओ आपको पता लग जाएगा पोर साइज। कहने का मतलब, पोर का मतलब होता है छिद्र, या तो छिद्र ऐसे हो सकते हैं, देखो अगर कंपेयर करोगे एक तो छिद्र ऐसे हो गए, और एक छिद्र अगर आप देखोगे तो दूसरे तरह की जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, एक छिद्र ऐसे हो गए। तो कम पोर साइज किसमें है, छोटी पोर साइज इसमें है, बड़ी इसमें है, तो ज्यादा किसमें चलेगा, जल्दी किसमें चलेगा, इसमें। तो देयरफॉर वी कैन से दैट पोर साइज अफेक्ट्स द फिल्ट्रेशन। तो इंक्रीज इन पोर साइज इंक्रीज इन फिल्ट्रेशन एंड द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। अगला आता है थिकनेस ऑफ केक या केक थिकनेस। जो आप चाय छान रहे हो ना, या जो आप छान रहे हो सैंपल, ये धीरे धीरे जमा होना स्टार्ट हो जाता है। तो जितना मोटा हो रहा है मतलब थिकनेस ऑफ केक, तो फिल्ट्रेशन डिक्रीजेस विद केक थिकनेस। तो जितना थिकनेस होगा ज्यादा फिल्ट्रेशन कम होगा। इसलिए तो क्या है, आप फटाफट जब चाय छन्नी कम हो जाती है आप वापस उसको डाल देते हो, मतलब केक हटा देते हो, और वापस जैसे आप चालोगे जब केक नहीं होगा तो उसी ओरिजिनल स्पीड से छन्ना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ केक मटेरियल। अब अगर इसको देखें केक कैसा होता है, तो मैं छोटा एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। होता क्या है, फिल्ट्रेशन के बाद जो केक बचता है ना, सपोज ऐसा केक बचा है इस तरह का, इस अभी केक बच गया। अब ये केक जो बच रहा है ये दो तरीके का हो सकता है, कैसे, एक तो पार्टिकल हो सकते हैं इस तरीके से, पार्टिकल इस तरीके के हो सकते हैं बड़े, और एक पार्टिकल बिल्कुल क्या है छोटे, पार्टिकल बिल्कुल छोटे हैं। अब आप सोचिए इस केस के अंदर अगर लिक्विड को आना होगा तो उसके पास जगह है, लिक्विड यहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, लेकिन इस केस में आएगा तो लिक्विड को आने की जगह ही नहीं है। तो यस, नेचर ऑफ केक या मटेरियल, अगर वो पोरस है, पोरस का मतलब छिद्र हो जिसके अंदर, जैसे इसके अंदर छिद्र है, तो अगर छिद्र है तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा इंक्रीज। इसीलिए क्या करते हैं अपन, अगर ऐसा नहीं हो तो क्या करें, व्हाट वी डू इज फिल्ट्रेशन से पहले अपन क्या करते हैं, कुछ अलग सब्सटेंसेस डाल देते हैं सैंपल के अंदर ही, और उनको क्या बोलते हैं, फिल्टर एड। एड अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है सहायता, ठीक है, एड का मतलब होता है सहायता। तो इसका नाम क्या है, फिल्टर एड। तो फिल्टर एड तो वो पदार्थ होते हैं जिनका काम क्या है, फिल्ट्रेशन में मदद करना। कैसे मदद करना, तो फिल्टर एड दे मेक द सेडिमेंट, या सेडिमेंट का एग्जैक्ट यहां पर कहने का मतलब ये है कि जो केक बन रहा है यहां पर, इसकी बात कर रहा हूं, दे मेक द फिल्टर केक पोरस इन नेचर, छिद्रदार। तो उससे क्या होगा, लिक्विड आराम से बहकर नीचे आ सकता है। अब एक सेपरेट क्वेश्चन आया फिल्टर एड पर, उसके लिए आपको अलग वीडियो देखना पड़ेगा। तो देयरफॉर फिल्टर एड्स आर यूज्ड। तो ये कहानी है फिल्ट्रेशन की और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के बारे में, अलग अलग फैक्टर्स हैं। एक बार वापस समराइज कर रहा हूं, आज का अपना क्वेश्चन था फिल्ट्रेशन क्या होता है और उसकी थ्योरी बताओ या फैक्टर्स अफेक्टिंग फिल्ट्रेशन बताओ। तो फिल्ट्रेशन क्या होता है, ये वो प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या करते हैं, सॉलिड को लिक्विड या गैस से अलग किया जाता है बाय यूजिंग ए फिल्टर मीडियम। ये प्रक्रिया करने की मैंने आपको डायग्राम से समझाया है। ये प्रक्रिया करने के बाद जो क्लियर लिक्विड बनता है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, और ये जो बनता है उसको बोलते हैं केक। अब इसकी जो थ्योरी है उसको बेस्ट समझा जा सकता है एक लॉ जिसको बोलते हैं डार्सिस लॉ, जिसके अकॉर्डिंग वी इज इक्वल टू के डेल्टा पी अपन, आपके पास दिया हुआ है सारी पैरामीटर्स। इसमें आपने कौन कौन से देखे, एक ये पता है, एक ये पता है, एक ये पता है, एक ये पता है, चार तो पता है, और इसके अलावा चार इससे रिलेटेड है। तो पहला है एरिया, सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर मीडिया, दूसरा प्रेशर, तीसरा विस्कोसिटी, चौथा टेम्परेचर, पांचवा पार्टिकल साइज, छठा पोर साइज, सातवां केक थिकनेस, और आठवां नेचर ऑफ केक मटेरियल। हो सकता है एक दो और फैक्टर्स हो, लेकिन दीज आर द मेन फैक्टर्स। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल एक एग्जांपल याद रखना है जो मैंने आपको चाय छानने वाला दिया, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखिए, वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो में दी हुई चीज आगे जरूर कोरिलेट होगी, क्योंकि अपन अगले आने वाले वीडियो के अंदर वी विल बी डीलिंग विद द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे फिल्टर प्रेस क्या होता है, ठीक है, जैसे मेटा फिल्टर क्या होता है, जैसे कैंडल फिल्टर क्या होता है। तो ये सारे फैक्टर्स वहां काम आएंगे और कैसे कोरिलेट होंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा कि आपको वो वीडियो देखिए। तो इसलिए वीडियो पूरा देखिए, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। बेस्ट ऑफ लक।